आप सभी का यूट्यूब चैनल देसी रसोईया भाई अलका में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करती हूं तो आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए बताते हैं चिकन मसाला में हमको क्या क्या चाहिए। हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसको पकाने से पहले इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, गरम मसाला है, नींबू है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है। मैरिनेट करने के लिए हमें बाउल लेंगे या कोई बड़ा बर्तन, उसमें सबसे पहले हम दही लेंगे। दही ले लिया है, अब इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे, साइड से निचोड़ेंगे जिससे इसमें बीज अगर हो तो निकाल सके। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, आधी चम्मच लाल मिर्च ली है, चौथाई चम्मच नमक लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यक्षी से मिला लिया है, अब इसमें चिकन डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसको 40 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। 4 प्याज लिए हैं, 4 टमाटर हैं, 2 हरी मिर्च ली है हमने, अदरक लिए, लहसुन लिया है, 2 तेजपात के पत्ते हैं, 8-10 काली मिर्च के दाने हैं, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, 4 लौंग हैं। सबसे पहले हम प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। इसको पीस के अलग रख देंगे, फिर टमाटर का पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद हरी मिर्च को 20 से 2 टुकड़े करके काट लेंगे। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे, जिससे हमने कढ़ाई रखी है और उसमें तेल डाल के उसको गरम कर लिया है। अब चिकन फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है, अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से सारा चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, अब हम मसाला तैयार करेंगे ग्रेवी के लिए। सबसे पहले हम खड़ा मसाला डाल देंगे गरम, अब मिर्च डाल देंगे, अब इसमें हम पिसा हुआ प्याज डाल देंगे, अब इसको हम मीडियम टू स्लो आंच पर भूनेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च ले लेंगे, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और 6 चम्मच पिसा धनिया डाल देंगे इसमें। इसको हमने पानी में डाल दिया है, ये मसाला इसलिए हमने पानी में डाला है क्योंकि ये वैसे सूखा डालो जल जाता है, इससे मसाला जलेगा नहीं। इसको मसाले को अच्छे से घोल के तैयार कर लेंगे जब तक हमारा प्याज भुनेगा। 1 चम्मच नमक ले लेंगे, मैरिनेट जब चिकन किया था तो उसमें नमक हम डाल चुके थे, तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। प्याज हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम मसाला मिला देंगे। मसाले को स्लो आंच पर पकाएंगे। मसाला भून के तैयार हो गया है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाला भून गया है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन इसमें थोड़ी देर तक
मेरे मसाले में। अब इसको ढक्कन से ढांक देंगे 10 मिनट तक के लिए। दस मिनट हो चुके हैं। चिकन पक गया है, चिकन बन के तैयार हो गया। अब इसमें हरे धनिया से गार्निश कर देंगे और इसको टेस्ट करिए, बनाइए और खाइए, और अपने अनुभव देसी रसोईया बाई अलका में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।